आज की इस एंटोमोलॉजी की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इंसेक्ट्स में किस प्रकार से प्रजनन का कार्य किया जाता है, कितने प्रकार से किया जाता है, और नर एवं मादा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस तरीके का होता है, प्रजनन तंत्र जो है वो किस प्रकार का होता है, नर में किस प्रकार का, मादा में होता। रिप्रोडक्टिव सिस्टम सामान्यतः इंसेक्ट्स में जो होता है बाईसेक्सुअल होता है, अर्थात मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो पार्थिनोजेनेसिस और हर्माफ्रोडिटिज्म टाइप का होता है, अर्थात पार्थिनोजेनेसिस आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, और हर्माफ्रोडिटिज्म भी पढ़ेंगे हम लोग आगे आने वाले टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वे दो भाग में बटा होता है, इंटरनल जेनिटेलिया और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इंटरनल जेनिटेलिया में जो है आपका जर्म सेल्स किस प्रकार से विकसित होती है, अंदरूनी इंटरनल उसकी एनाटॉमी किस तरीके की है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको पढ़ा जाता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन से खंड में मादा जननांग और नर जननांग पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ाई की जाती है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में तो दो सेक्स होते हैं मेल और फीमेल, वे आपस में किस तरीके से जुड़ रहे हैं, किस तरीके से यूनाइट हो रहे हैं, और फीमेल जो है वो किस तरीके से एग लेइंग का कार्य करती है, किस तरीके से एग्स डिपॉजिट करती है, इसके बारे में पढ़ा जाता है। तो ये एक पिक्चर है जिसमें देखिए आप, ये लेफ्ट साइड वाली जो है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका चित्र दिखाया गया है, राइट साइड में यह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोग जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों जो है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरुआत करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वह एक जोड़ी ओवेरियोल्स, है ना, ओवेरियोल्स जो होते हैं वे ओवेरीज में रहते हैं, इसलिए एक जोड़ी ओवेरीज जो कि जिस ओवेरीज के अंदर ओवेरियोल्स होते हैं उससे एक जोड़ी ओविडक्ट्स, कॉमन डक्ट, कॉमन ओविडक्ट, मीडियन ओविडक्ट, स्पर्मेथिका, एक जोड़ी एसेसरी ग्लैंड्स और बुरसा कॉपुलेटरिक्स या कॉपुलेटरी पाउच या जेनाइटल चैम्बर या वेजाइना, इससे मिलकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात मादा जनन तंत्र बनता है। ये फिगर में देखिए आपको, इसमें जो है यही दिखा रहा है, ये ओवेरी है ना, इसी के अंदर ओवेरियोल्स होते हैं, और ये जितनी भी ओवेरीज हैं ये ओवेरीज एक लिगामेंट, इसके ऊपर थ्रेड जैसी संरचना दिखाई दे रही है जिसके जरिए जो है ये आपका बॉडी वॉल से लगी रहती है। और इसमें ये देखिए जो मैंने बताया लेटरल ओविडक्ट, ये एक जोड़ी लेटरल ओविडक्ट है, ये कॉमन ओविडक्ट है, ये स्पर्मेथिका है, और एक जोड़ी एसेसरी ग्लैंड है, और इसकी जो ओपनिंग्स हैं है ना जिसको बोला जाता है वेजाइना, ये वेजाइना जो है इसी को बुरसा कॉपुलेटरिक्स, कॉपुलेटरी पाउच, वेजाइना, ये इस तरीके से इसकी संरचना होती है। इसके डिटेल के लिए हम लोग एक एक चीजें लेते हैं। ये देखिए यही इसका एक फिगर और बताया गया है जिसमें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा आपका इसके ये वाइटेलेरियम, जर्मेरियम है ना, टर्मिनल फिलामेंट्स, ये पेयर्ड ओवेरीज हो गई है, और ये जो है इसमें अंदर जो है छोटे 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 एग्स होते हैं जिसको कि ओवेरियोल्स बोला जाता है, ये मैच्योर ओसाइट्स हैं, ये एसेसरी ग्लैंड्स हैं, लेटरल ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट, स्पर्मेथिका, जेनाइटल चैम्बर, और इसकी ओपनिंग जो है वुल्वा कहलाती है। तो इस प्रकार से जो है ये अब एक एक करके हम लोग इसके पार्ट्स पढ़ते हैं। ओवेरीज जो होती है वे एक प्रकार की प्रोमिनेंट विजरल ऑर्गन्स होती हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल के दोनों तरफ पाई जाती हैं, और जो ओवेरीज का एंटीरियर पोर्शन जो होता है वह बॉडी वॉल से
जुड़ा होता है, जो कि ये ओवरीज की जो मैंने आपको बताया था थ्रेड्स लाइक सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, ये लिगामेंट्स जो है बॉडी वॉल से कनेक्ट रहते हैं। और जो ओवरीज होती है वे सामान्यतः फैट बॉडी या ट्रेकिया से पूरी की पूरी कवर्ड रहती है। और एक ओवेरी जो रहती है उसमें कई प्रकार के ओवेरियोल्स, नंबर ऑफ ओवेरियोल्स, और या उसी को ओवेरियोल्स को एग ट्यूब्स बोला जाता है, उससे मिल करके एक ओवेरीज बनी होती है। तो ओवेरीज के अंदर जो है ओवेरियोल्स होते हैं, और यही ओवेरियोल्स जो है एग ट्यूब्स कहलाते हैं, अर्थात इनमें एग होता है। और ओवेरियोल्स जो है वो एक डबल लेयर सेलुलर वॉल ना, सेलुलर वॉल्स, डबल लेयर की सेलुलर वॉल से एनवलप्ड होते हैं, ढके होते हैं। और आउटर वॉल डबल लेयर है चूंकि, तो आउटर वॉल जो है उसको कहते हैं ओवेरियल सीथ है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो ट्रेकिया है उसके ट्रेकियोल्स जिसको बोलते हैं, उसके जो ट्रेकिया के जो और बारीक से जो है आपके जो उसके पोर्शन आते हैं है ना, धागे के जैसे फिलामेंट्स आते हैं, उनको बोला जाता है ट्रेक्यूल्स। तो ये जो है ये ट्रेकिया इसी आउटर वॉल पे लगे होते हैं। और जो एग्स होते हैं वे लेटरल ओविडक्स, लेटरल ओविडक्स जो होते हैं उनमें एग्स जो होते हैं ओवेरी से होते हुए डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। लेटरल ओविडक्ट्स, लेटरल ओविडक्ट्स भी जो है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक जोड़ी की संख्या में पाए जाते हैं। और जो ओवेरियोल्स का जो प्रॉक्सिमल एंड है, प्रत्येक ओवेरी का जो है प्रॉक्सिमल एंड है वो लेटरल ओविडक्ट है ना के साथ ज्वाइंट होता है, एक एक की तरफ है ना। और जो ओविडक्ट की वॉल होती है वो ग्लैंडुलर और मस्कुलर जो है उस तरीके से उसमें मस्कुलर्स ग्लैंडुलर आकार की जो होती है इसकी वॉल होती है। और जो ये लेटरल ओविडक्ट्स हैं वे ओवेरियोल्स के जो प्रॉक्सिमल एंड्स हैं उसकी ओपनिंग्स के साथ कनेक्ट होते हैं। और जो मीडियन ओविडक्ट हैं इसमें की संख्या जो है वे जो है दोनों जो लेटरल ओविडक्ट्स हैं वो जुड़ जुड़ जाते हैं और जुड़ करके मीडियन ओविडक्ट बनाते हैं। और मीडियन ओविडक्ट के बाद जो है आपका आता है वजाइना। वजाइना जो है ये कई इंसेक्ट्स में ऐसा होता है कि जो मीडियन ओविडक्ट है वो डायरेक्ट ओपन ना हो करके है ना, ठीक है, वजाइना में आउटसाइड आउटसाइड जो है ओपन होता है। और यह जो है एक प्रकार का ट्यूबुलर जेनाइटल चैम्बर या वजाइना फॉर्म करता है, जो कि बॉडी वॉल के एर्थ सेगमेंट्स, एब्डोमेन के जो एर्थ सेगमेंट्स जो होते हैं उस एर्थ सेगमेंट्स में यह वजाइना जो है जाकर के ओपन होता है। और यह एक प्रकार का ट्यूबुलर जैसी ट्यूब की जैसी संरचना होती है। और यह जो है आपका इंसेक्ट्स के बॉडी वॉल में एब्डोमेन पोर्शन में एर्थ सेगमेंट्स में ओपन होता है। और इसकी जो ओपनिंग है वजाइना की वह उसको वो जो आउटसाइड ओपनिंग होती है उसको कहा जाता है वुल्वा ना। वुल्वा का पर्पस होता है वो जो स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात मेल इंसेक्ट से जो स्पर्म्स आ रहे हैं उनको रिसीव करना और जो फीमेल के जो एग्स हैं उनको डिस्चार्ज करने का कार्य जो है इस वुल्वा के जरिए किया जाता है। और जो बुर्सा कॉपलेट्रिक्स है, बुर्सा कॉपलेट्रिक्स कुछ इंसेक्ट्स में जो जेनाइटल चैम्बर है या वजाइना जो है वो एक सेपरेट पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि बोला जाता है बुर्सा कॉपलेट्रिक्स। और जिसमें इस बुर्सा कॉपलेट्रिक्स में दो प्रकार की रिप्रोडक्टिव ओपनिंग्स होती है, एक होती है वुल्वा जिसका कार्य होता है स्पर्म को रिसीव करना, और यह ओपन होती है आपका एर्थ स्टर्नम
अर्थात एब्डोमेन के एट्थ सिगमेंट्स में, ना एट्थ सिगमेंट्स में स्टर्नम पोर्शन में होती है, जबकि दूसरा एक और जो आपका वो है, आपका ओपनिंग्स हैं, वो उसको कहते हैं ओविपोर या गोनोपोर, और यह जो है नाइन्थ नाइन्थ सिगमेंट्स में ओपन होती है, जिसका की कार्य होता है एग्स का डिस्चार्ज करना। तो जो एर्थ स्टर्नम में जो ओपन होता है उसको कहते हैं वुल्वा, जिसका कार्य होता है स्पर्म की रिसीविंग करना, और जबकि तो नाइन्थ में जो ओपन होता है नाइन्थ सेगमेंट्स में उसको कहते हैं ओविपोर या गोनोपोर, जिसका कार्य होता है एग्स का, फीमेल के द्वारा बनाए गए एग्स का डिस्चार्ज करना। तो ये जो बुरसा कॉपलेट्रिक्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि लेप्टोप्टेरा और वाटर बीटल्स में पाया जाता है। इसके अलावा स्पर्म एथिका, ये जो है यह स्ट्रक्चर भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच के जैसी संरचना होती है इसकी, और जिसमें कि यह जो है यह स्पर्म एथिका जो है वो वेजाइना में स्पर्म एथिकल डक्ट के जरिए ओपन होती है। और स्पर्म एथिका का मुख्य कार्य होता है जो मेल से स्पर्म आए हैं उनको स्टोर करके रखना। और इसके अलावा स्पर्म एथिका कुछ फ्लूड भी सिक्रीट करती है, जिसके जरिए कि जो स्पर्म स्टोर किए गए हैं उसकी लॉन्जिविटी, उसकी जो है लॉन्जिविटी को कई घंटों तक बरकरार रखा जाता है इस कुछ फ्लूड जो स्पर्म एथिका द्वारा सिक्रीट किया जाता है उसके कारण से ही। फिर एसेसरी ग्लैंड्स एक पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, अर्थात दो की संख्या में होती है, जो कि वेजाइना के डिस्टल पोर्शन में ओपन होती हैं, और यह जो है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं जिसके जरिए कि इसके जरिए जो एग होता है वो एग एसेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन के कारण से ही लीफ में, पत्तियों में, या जहाँ भी एग दिए जाते हैं वे एग चिपके रहते हैं। तो वो जो है वो एग चिपकने का कारण जो है वो एसेसरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन ही होता है। इसके अलावा काकरोच के अंडे किसी एक कवर में ढके रहते हैं, आप लोगों ने शायद देखा होगा, तो वो उसको बोलते हैं ऊथिका, और वह ऊथिका का फॉर्मेशन भी एसेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन के जरिए ही किया जाता है। उसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स में जो खासकर हाइमनोप्टेरेंस में कुछ पॉइजनस सिक्रीशंस भी होते हैं, वह जो है वे सिक्रीशंस भी एसेसरी ग्लैंड्स के जरिए ही होते हैं। और इसके अलावा जो ओवेरियोल्स होते हैं, वो जो है आपका ओवेरियोल्स की संख्या हर इंसेक्ट्स में अलग अलग होती है, सामान्यतः इनकी संख्या ओवेरियोल्स की 4 से 8 होती है। कुछ कुछ आइसोप्टेरा इंसेक्ट्स हैं दीमक में, इसकी संख्या 2000 से ऊपर होती है। और जो एक टिपिकल ओवेरियल जो होता है या एग ट्यूब जिसको बोला जाए, वह 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है, पहला टर्मिनल फिलामेंट, दूसरा एग ट्यूब, तीसरा सपोर्टिंग स्टॉक और पेडिसिल। इसकी फिगर पहले मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो उससे आप लोग ये देख सकते हैं टर्मिनल फिलामेंट, एग ट्यूब और सपोर्टिंग स्टॉक और पेडिसिल्स। और इस प्रकार से ओवेरियोल्स जो होते हैं वे कई प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ओवेरियोल्स में जो प्रेजेंस जो न्यूट्रिटी सेल्स होती हैं और उनकी ओवेरियोल्स में जो लोकेशन है उसके आधार पर यह जो आपका ओवेरियोल्स हैं वो कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है पेनियोस्टिक ओवेरियोल्स, है ना, इसमें जो न्यूट्रिटरी सेल्स होती हैं, है ना, पोषक कोशिकाएं जो हैं वे एब्सेंट होती हैं, और जो ओसाइट्स का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स की सहायता से होता है। फॉर एग्जाम्पल पेनियोस्टिक ओवेरियोल्स का ओडोनाटा, डिक्टायोप्टेरा, अर्थोप्टेरा एंड एफिमेरोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स। दूसरा होता है मेरियोस्टिक ओवेरियोल्स, ये मेरियास्टिक ओवेरियोल्स जो हैं वे न्यूट्रिटरी सेल्स जो होते हैं उनकी पोजीशन, है ना, अलग अलग होती है, उसके आधार पर इनको अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया जाता है। जैसे पहला है पॉलीट्रॉफिक ओवेरियोल्स, जहाँ की पॉलीट्रॉफिक ओवेरियोल्स मतलब इसमें जो ओसाइट्स हैं, है ना, या ट्रोफोसाइट्स हैं या न्यूट्रिटरी सेल्स हैं, है ना, इनका अरेंजमेंट अल्टरनेटिवली रहता है। वाइटेलेरियम के अंदर जो है ये एक के बाद एक लगे होते हैं, इस प्रकार की पॉलीट्रॉफिक
पोजिशन को, इस प्रकार की कंडीशन को पॉलीट्रॉफिक ओवेरियोल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है मेकोप्टेरा, डर्मेप्टेरा, सोकोप्टेरा ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट्स। दूसरा है एक्रोट्रॉफिक ओवेरियोल्स, जिनको कि टेली ट्रॉफिक ओवेरियोल्स भी कहा जाता है, और यह जो है जिसमें कि ट्रोफोसाइट्स जो होते हैं वे जर्मेरियम है ना, अपेक्स ऊंचे उपेक्स की जगह पे है ना, जर्मेरियम में होते हैं उपस्थित, और जो आपका ये कनेक्ट होते हैं वे डेवलपिंग ओसाइट्स जो हैं वो साइटोप्लाज्मिक स्टैंड्स से जरिए है ना, ग्रोइंग और डेवलपिंग ओसाइट्स साइटोप्लाज्मिक स्टैंड्स के जरिए कनेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल जो है ट्रॉफिक ओवेरियोल्स का हेमिप्टेरा और पोलियोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स में पाया जाता है। तो इस प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोगों ने डिफरेंट उसकी स्ट्रक्चर्स, उसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़े, किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है। अब बारी आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इंटरनल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वे निम्न भागों से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें एक जोड़ी टेस्टिस, चित्र में देखिए आपको ये दिखा रहा है, एक जोड़ी टेस्टिस, ये ट्यूब जैसी संरचना, एक जोड़ी वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजुकुलेटरी डक्ट और जेनिटीलिया। इस तरीके से इनसे मिलकर के, और साथ ही साथ एक जोड़ी एसेसरी ग्लैंड्स भी इसमें पाई जाती है। ये फिगर देख लीजिए आप लोग, टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेस्कल, इजेकुलेटरी डक्ट, और साथ ही साथ ये जो आपका एडिगस, एडिगस अर्थात पेनिस। तो टेस्टिस, इसका एक एक डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो टेस्टिस दिख रही है आपको, ये छोटे फिगर में भी दिखा रहा है, जो जैसा कि ओवेरीज होती हैं उसी तरीके से टेस्टिस भी जो है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होती है, और इसका जिस तरीके से स्ट्रक्चर्स उसमें एग ट्यूब का था उसी तरीके से इसमें जो है ये टेस्टिस भी होती हैं, और ये टेस्टिस भी जो है आपका एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर है ना, फिजरल कैविटी में, बॉडी कैविटी जो होती है उस कैविटी में एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर बॉडी वॉल से कनेक्ट की हुई रहती हैं, और इसमें पूरे के पूरे ट्रेकिया, ट्रेकिया का जाल जैसा पाया जाता है, और यह सब फैट बॉडी से घिरी हुई रहती है। तो एक टेस्टिस जो है वे कई सारे जो है ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स, फॉलिकल्स, ये जितने दिख रहे हैं जब क्या कहलाते हैं, फॉलिकल्स, या इसी को बोलते हैं स्पर्म ट्यूब, फॉलिकल्स या स्पर्म ट्यूब से मिलकर के बनी होती है। तो इस प्रकार से टेस्टिस जो है, टेस्टिस के अंदर कई सारे है ना, ठीक है, ओवल शेप्ड है, और कई सारे जो है ये फॉलिकल्स, जो ओवल शेप्ड फॉलिकल्स हैं या स्पर्म ट्यूब्स हैं उससे मिलकर के बनी होती है टेस्टिस। टेस्टिस के नीचे देखिए ट्यूब जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जिसको बोला जाता है वास डिफरेंस, लॉन्ग ट्यूब्स है ना ये, जो कि इस फॉलिकल्स के अंदर जो ये यहाँ पे इसका बेस है, फॉलिकल्स का जो बेस है एक छोटे ट्यूब जैसी संरचना होती है, जिसको बोलते हैं वासा एफरेंस। इस वासा एफरेंस के जरिए जो है ये कनेक्ट होता है, क्या चीज कनेक्ट होता है, वासा डेफरेंस, वासा एफरेंस से कनेक्ट होता है, जो कि क्या कार्य करता है, स्पर्म को रिसीव करना टेस्टिस से, और इसका आगे इजेकुलेटरी डक्ट में इसी की, वासा डिफरेंस की परमिशन से ही है ना ये जो स्पर्म है वो आगे की ओर बढ़ते हैं। अर्थात ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ना, आल्सो द फंक्शन ऑफ द वासा डिफरेंस। तीसरा होता है सेमिनल वेसिकल। ये देखिए ये जो वासा डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस जो है ये आपका पोस्टीरियरली पीछे की ओर जा करके एनलार्ज हो जाता है, और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको भी बोला जाता है सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल जो है इसका कार्य ही होता है स्पर्मेटोजोआ का स्टोर करना कुछ समय के लिए, स्पर्मेटोजोआ अर्थात स्पर्म को थोड़े समय के लिए स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद जो है आपका आगे की ओर डिस्चार्ज करता है। इजिक्युलेटरी डक्ट, ये इजिक्युलेटरी डक्ट देखिए ये है ना, ये दोनों जो वासा डिफरेंस हैं वे जो है पोस्टीरियरली ज्वाइंट हो जाते हैं और कॉमन इजिक्युलेटरी डक्ट बनाते हैं, और इसका जो काम, इजिक्युलेटरी डक्ट का जो टर्मिनल सेक्शन है ना,
वो एक प्रकार का, ये जो टर्मिनल सेक्शन, फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन, बॉडी वॉल का फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन होता है, जो कि कहलाता है एडिगस या पेनिस, या इसी को बोला जाता है मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो इस प्रकार से जो है इजुकुलेटरी डक्ट का निर्माण होता है, एडिगस ही, इसी को ही कहा जाता है एडिगस या पेनिस, है ना, यही मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स कहलाता है। और एसेसरी ग्लैंड्स, ये एसेसरी ग्लैंड्स की संख्या आपकी एक से लेकर के तीन जोड़ी में पाई जाती है, जो कि इजुकुलेटरी डक्ट में ओपन होती है। और कई जो है आपका इसका जो सिक्रीशन होता है, एसेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन, ये एपिस्परमेटो जीवा के साथ मिक्स हो जाता है, और इसी के सिक्रीशन के कारण से ही, जैसा आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया कि जो एग्स होते हैं वो चिपकते हैं ना, उसी तरीके से ये जो है इनमें भी जो इस मेल से फीमेल की ओर जो स्पर्म का जो ट्रांसमिशन होता है, वो है इसी एसेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन के जरिए संभव होता है, कि स्पर्म को जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बारी आती है इंसेक्ट्स में किस प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, अर्थात किस प्रकार से प्रजनन होता है, प्रकार रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स में डिफरेंट और अपोजिट सेक्स होते हैं, आपने बताया जो बाइसेक्सुअल्स होते हैं इंसेक्ट्स, और इनमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। तो इसमें मुख्य रूप से सात प्रकार से रिप्रोडक्शन इंसेक्ट्स में पाया जाता है, ओविपेरेटी, विविपेरेटी, पार्थिनोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस, पॉली एम्ब्रियोनी, हर्माफ्रोडिटिज्म एंड कैस्ट्रेशन। ओविपेरेटी, ओविपेरेटी का अर्थात मतलब होता है एग देना, है ना। मेजोरिटी ऑफ जो फीमेल इंसेक्ट्स जो है वे होते हैं ओविपेरस, अर्थात वे अंडे देने का कार्य करते हैं। तो इनमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स होता है वे कैसा होता है, ये अंडे के रूप में होता है, और जो अंडे हैं वे अंडे उसके अंतर्गत यॉक होता है, एल्बुमिन होता है, और डायरेक्ट जो है एग लेइंग करना, है ना, अंडे देना, वो कहलाता है ओविपेरेटी। एग्जाम्पल हेड लाउस, मॉथ्स। दूसरा होता है विविपेरेटी, जिस प्रकार से अंडे देते हैं उसी प्रकार से कुछ इंसेक्ट्स में ऐसा होता है कि जो एग का जो डेवलपमेंट होता है वो मदर के अंदर ही हो जाता है, और मदर के अंदर एग्स का डेवलपमेंट होने के बाद जो निकलता है वह यंग वंस होते हैं। यंग वंस अर्थात नेम्स हो गए, लार्वा हो गए, ये यंग वंस कहलाते हैं। और जो एग होते हैं वो मदर के जो आपका अंदर है ना, उसके वजाइना में ही एग का डेवलपमेंट होता है, केवल जो है बाहर जो निकलते हैं वो यंग वंस निकलते हैं। तो बेबी पैरेटीज जो होती है वे डिफरेंट इंसेक्ट्स में डिफरेंट टाइप की होती है। तो मुख्य रूप से चार प्रकार की बीवी पेरेटी इंसेक्ट्स ग्रुप में ऑब्जर्व की जाती है। पहला होता है ओवो बीवी पेरेटी। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग्स है उसमें यॉक होता है, अच्छी खासी संख्या में होता है, और इनमें जो एग होते हैं वो मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही रहते हैं, और जो जस्ट जैसे ही आपका क्या बोलते हैं अंडे से बच्चा निकलता है वो तुरंत बच्चा जो है वो बाहर की ओर निकाल दिया जाता है, जस्ट प्रायर टू और सून आफ्टर द ओविपोजिशन। इसको कहते हैं ओवोविविपेरेटी। एग्जाम्पल है थ्रिप्स, कुछ कॉकरोचेस हैं, कुछ बीटल्स हैं, फ्लैश फ्लाई है, और इसमें अंडे देने की क्षमता इस प्रकार की विविपेरेटी में इंसेक्ट्स में थोड़ी सी कम होती है। दूसरी होती है सूडो प्लेसेंटल विविपेरेटी। इसमें जो है यॉक की जो संख्या होती है, याक की जो मात्रा होती है एग में वो कम होती है ना, और जो एग्स का जो डेवलपमेंट है वो जेनाइटल, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ही होता है ना। बट इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है मदर में, जिसको बोला जाता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर, लाइक टिश्यू के जैसे संरचना होती है, जिसके जरिए कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियोज हैं उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, और इस किसी प्रकार की कोई ओरल फीडिंग नहीं होती है, और लार्वा जो है वो यंग वंस जो है, ये यंग वंस जो है इसी प्लेसेंटा की सहायता से जो है आपका न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करते हैं, एम्ब्रियो ग्रहण करते हैं, और सीधे जो
आपके यंग वंस हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं एफिड्स, कुछ ईयरविक्स, सॉकेट्स एंड पॉलीटेनिड बक्स। ये इसके देखिए ये एफिड्स है ना, ये आपके कुछ ऐसे इस तरीके के ईयरविक्स हैं है ना। तो ओविपेरिटी और विविपेरिटी, इसमें जरा सा डिफरेंस देख लीजिए आप लोग। ओविपेरिटी में क्या होगा, डायरेक्ट एग होगा है ना, एग ही दिया जाएगा फीमेल इंसेक्ट्स के जरिए फर्टिलाइजेशन के पश्चात। किसी प्रकार का एग को फीमेल अपने ट्रैक के अंदर रोक करके नहीं रखेगी है ना, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद किसी प्रकार से जो एम्ब्रियो है उस किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिलता है। जबकि वीवीपेरिटी के केस में जो एग्स हैं वो फीमेल ट्रैक्ट के अंदर रिटेन कर दिए जाते हैं, रोक लिए जाते हैं, एग्स जो होते हैं उसी के अंदर रहते हैं। एम्ब्रियो जो है उसके अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है एग के अंदर, उसको मदर के जरिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक प्लेसेंटा है या कोई यूटेरस में है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स के जरिए मदर के जरिए ही एम्ब्रियो को फीड कराया जाता है। और जो विविपेरिटी है इसमें जो यंग वंस हैं इमेच्योर स्टेजेस हैं वो पूरी की पूरी लगभग लगभग डेवलप्ड हो जाती है इनसाइड द मदर, और डायरेक्ट जो है वो जो निकाले जाते हैं अंडे निकालने की जगह यंग वंस को ही बाहर निकाला जाता है। तो तीसरी जो विविपेरिटी है इसको बोला जाता है हिमोसिलस विविपेरिटी, हिमोसिलस अर्थात बॉडी कैविटी है ना। तो इसमें जो है ना जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वे इनसाइड द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी में ही इसका डेवलपमेंट होता है इसका। और जो फीमेल का हिमोलिम्फ होता है अर्थात फीमेल का जो खून है ना, उस खून के जरिए ऑस्मोसिस प्रोसेस से जो एग्स एम्ब्रियोज होते हैं वे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं है ना। इस तरीके से जो है आपका हिमोसिलस विविपेरिटी कहलाती है। और इसमें जो इंसेक्ट्स आते हैं वे स्टेप्सिप्टेरा कुछ गालमी जाते हैं, और जो इंटरनल पैरासिटिज्म वाले इंसेक्ट्स हैं जो कि स्टेप्सिप्टेरा में पाए जाते हैं उसमें इसी तरीके की विविपेरिटी पाई जाती है। हिमोसिलस बॉडी कैविटी के अंतर्गत अंदर रह करके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन है वो मदर के हिमोलिम्स के जरिए ऑस्मोसिस प्रोसेस से प्राप्त होता है, इस प्रकार की विविपेरिटी हिमोसिलस विविपेरिटी कहलाती है। चौथा है एडिनोट्रॉफिक विविपेरिटी। ये एडिनोट्रॉफिक विविपेरिटी पाई जाती है, जब एडिनोट्रॉफिक विविपेरिटी होती है तो जो लार्वा होता है वो पुअरली डेवलप्ड हैच होता है, और उसमें जो फीडिंग होती है वो ओरली होती है जो कि एसेसरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन, मिल्क ग्लैंड्स है ना, ठीक है, मिल्क ग्लैंड्स होती हैं उसके जरिए जो है आपके सिक्रीशन से उसको प्राप्त होता है। और यह जो है यह कहाँ पे होता है, मदर के यूटेरस है ना, मदर के यूटेरस में उसका वो मिलता है, मदर के यूटेरस से उसको भोजन प्राप्त होता है, न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। और फुल ग्रोन लार्वा जो है वे डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, और डिपॉजिट करते ही डायरेक्ट जो है ये प्यूपेट्स प्यूपेशन हो जाता है इसमें है ना। तो टेस्टिस फ्लाइज, लाउस, बैट फ्लाइज इसके एग्जांपल्स हैं। फिर पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस अर्थात रिप्रोडक्शन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बगैर फर्टिलाइजेशन के रिप्रोडक्शन होना पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। तो जिसमें विभिन्न प्रकार के पार्थिनोजेनेसिस पाए जाते हैं, फैकल्टेटिव पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है बी में, ऑब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस स्टिक इंसेक्ट्स में, साइक्लिक अर्थात अल्टरनेशन ऑफ गैमिक एंड एगैमिक पॉपुलेशन, एक बार आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एक बार विदाउट रिप्रोडक्शन के जो है वो इंसेक्ट्स दिए जाएंगे, पार्थिनोजेनेसिस इसके में होती है साइक्लिक में एफिड में। बेस्ड ऑन सेक्स प्रोड्यूस एरिनोटॉकी, एरिनोटॉकी में मेल ही प्रोड्यूस होते हैं, एग्जाम्पल बी, थैलीटॉकी में फीमेल प्रोड्यूस होती हैं, एग्जाम्पल्स है एफिड्स, एम्फीटॉकी में दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों उपस्थित होते हैं, एग्जाम्पल है साइनिपीड वास्प। बेस्ड ऑन द मियोसिस एपोमिक्टिक नो मियोसिस अकर्स, ऑटोमेटिक ऑटोमिक्टिक मियोसिस अकर्स बट डिप्लॉयड इज मेंटेन। चौथा होता है पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी का अर्थात होता है ये जिसमें कि दो या दो से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण होना, एक अंडे के अंदर दो या दो से अधिक
एम्ब्रियो का निर्माण जो है वो कहलाता है पॉली एम्ब्रियानी, जो कि पाया जाता है प्लेटिकेस्टर पैरासिटिक इंसेक्ट्स में पाया जाता है। पेडोजेनेसिस, कुछ इंसेक्ट्स में जो है आपका लाइफ साइकिल जो है छोटी होती है और प्यूपल स्टेज एडल्ट स्टेज का नहीं पाई जाती, डायरेक्ट जो है आपका यंग वंश ही पाए जाते हैं, जिसमें कि जो है यंग वंश ही पार्थिनोजेनेसिस क्रिया करते हैं। उस प्रकार की पेडोजेनेसिस लार्वल पेडोजेनेसिस कॉलोनी पाई जाती है, प्यूपल पेडोजेनेसिस मैस्टर स्पीशीज में पाई जाती है। हर्माफ्रोडिटिज्म, यह एक प्रकार का ऐसा है जिसमें कि एक ही सिंगल इंडिविजुअल में दोनों सेक्स मेल